माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में एक अनूठा प्रयास राज्य के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार करने के लिए किया जा रहा है। इसी प्रयास की निरंतरता में ब्रिज उपचारात्मक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ब्रिज उपचारात्मक कार्यक्रम की सबसे विशेष बात है कि शिक्षकों का उद्देश्य पीछे रह रहे विद्यार्थियों को निपुण करते हुए कक्षा स्तर तक लाना है। ब्रिज उपचारात्मक कार्यक्रम के प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। ब्रिज प्रोग्राम के तीन मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। पहला, 70 लाख विद्यार्थियों के लिए बिहाइंड ग्रेड दक्षता आधारित वर्कबुक, दक्षता आधारित कार्य पुस्तिका है, जो कक्षा 1 से 8 के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित की है। विद्यार्थी समूहीकरण के साथ दैनिक उपचारात्मक कार्य शुरू के जुलाई, अगस्त, सितंबर में 4 कालांश और उसके बाद अक्टूबर से अप्रैल तक 2 कालांश आनंददायी शिक्षण अधिगम गतिविधियां, शिक्षण जो विद्यार्थियों को रोचक लगे। ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ब्रिज उपचारात्मक शिक्षण आरंभ करवाना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी समूहीकरण। उपचारात्मक अवधि के दौरान सीखने के स्तर के अनुसार विद्यार्थी समूहीकरण, गतिविधि आधारित शिक्षण, ABL किट का उपयोग करके गतिविधि आधारित शिक्षण और कार्यपुस्तिकाओं का उपयोग करके दक्षता आधारित अभ्यास, कार्यपुस्तिका का जांच कार्य व अनुवर्तन, कार्यपत्रक कार्य का नियमित सुधार और विद्यार्थियों के साथ उनके प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया साझा करना। कार्यपुस्तिका को SIERT द्वारा बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। कार्यपुस्तिका की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो शिक्षकों को समझने के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह है इंटीग्रेटेड असेसमेंट, विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करने के लिए बेसलाइन, मिडलाइन, एंडलाइन आकलन, इंटीग्रेटेड एक्टिविटी शीट, अभ्यास के लिए अवधारणाओं और योग्यता आधारित कार्यपत्रकों को सीखने के लिए ABL किट के साथ संगठित गतिविधियां, इंटीग्रेटेड फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्रगति का आकलन करने के लिए प्रत्येक 5 कार्यपत्रों के बाद आकलन कार्यपुस्तिका को नियमित उपयोग में लेना है। कार्यपुस्तिका को मात्र भरवाना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास करवाते हुए कक्षा स्तर तक लाने का सफल प्रयास करना है। साथियों, आप स्क्रीन पर दिखाई जा रहे 1+4+1 मॉडल सीखना, अभ्यास और आकलन का अनुसरण कर सकते हैं। टीचिंग साइकिल के प्रथम दिवस को आप गतिविधि आधारित शिक्षण करवाएं और यह गतिविधियां कार्यपुस्तिका में भी दी गई है। कक्षा 3 से 5 की कार्यपुस्तिका में गतिविधियां सम्मिलित है तथा 6 से 8 में जो कार्यपुस्तिकाएं हैं उनकी गतिविधियां आप दैनिक जीवन से संबंधित करते हुए स्वयं निर्मित कर सकते हैं। आप इन गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण करवाएं, संवाद को किसी दक्षता या विषय वस्तु को सिखाने समझाने के बाद उसी दक्षता पर आधारित कार्यपत्र को पर सप्ताह के 4 दिन अभ्यास करवाना है। विद्यार्थियों के इंटीग्रेटेड वर्कशीट प्रैक्टिस के समय आप किसी विद्यार्थी या समूह या स्पेसिफिक विद्यार्थी के साथ बैठकर उन्हें पर्सनलाइज्ड अटेंशन दें। अंतिम दिवस अर्थात कार्यपुस्तिका में दिए गए आकलन को करवाना है। इस सीखने, अभ्यास करवाने व आकलन करें, यह 1+4+1 है। साथियों, सप्ताह के अंतिम दिन आकलन की जांच से आप ये पता कर सकेंगे कि विद्यार्थी सिखाई गई दक्षता को प्राप्त कर पाया है या नहीं। यदि कोई विद्यार्थी उस दक्षता को प्राप्त नहीं कर पाता है तो अगले सप्ताह आपको कुछ समय विद्यार्थी की पिछली अवधारणा समझाने के लिए भी देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सप्ताह दर सप्ताह आगे बढ़ते चले, क्योंकि वह बालक अपनी गति से सीखता है। अतः
यदि एक सप्ताह के अभ्यास से बालक नहीं सीख पाया है तो अगले सप्ताह आप समय सारणी में से कुछ समय उस पिछली अवधारणा सिखाने के लिए दे सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो समझ आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी साथियों तक शेयर करें ताकि सभी नए नवाचार से अपडेट हो पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।